गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम इंजीनियर अजय। वेलकम ऑल ऑफ यू इन डिजिटल क्लासेस प्रोवाइडेड बाय राजस्थान एकेडमी चूरू फॉर प्रिपरेशन ऑफ एंट्रेंस एग्जाम ऑफ सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय विद्यालय, राय स्पोर्ट्स स्कूल एंड RIMC। स्टूडेंट्स, ये अपने सब्जेक्ट साइंस विज्ञान की क्लास है और हम इसमें विज्ञान की कुछ जो प्रमुख शाखाएँ हैं उनके बारे में स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। अब हम फिर 1 to 5 तक हम स्टडी कर चुके हैं, अब उससे आगे स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट जो विज्ञान की शाखा है उसका नाम है हाइड्रोपोनिक्स। शाखा का नाम है हाइड्रोपोनिक्स। अब देखिए, हाइड्रोपोनिक्स विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जल संवर्धन का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। हाइड्रोपोनिक्स विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जल संवर्धन का अध्ययन किया जाता है। तो इससे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि हाइड्रोपोनिक्स क्या है। तो हाइड्रोपोनिक्स विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जल संवर्धन का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। समझ आ गया होगा हाइड्रोपोनिक्स क्या है, ठीक है। अब हम देखते हैं जो विज्ञान की नेक्स्ट शाखा है वो है हाइड्रोस्टैटिक्स। अब हाइड्रोस्टैटिक्स के बारे में हम स्टडी करेंगे कि हाइड्रोस्टैटिक्स क्या है और इसके अंतर्गत किस विषय का अध्ययन किया जाता है। तो देखिए, हाइड्रोस्टैटिक्स विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव स्थितिक का अध्ययन किया जाता है। तो हाइड्रोस्टैटिक्स विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव स्थितिक का अध्ययन किया जाता है। तो इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि हाइड्रोस्टैटिक्स क्या है या हाइड्रोस्टैटिक्स की परिभाषा क्या है। तो हाइड्रोस्टैटिक्स विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव स्थितिक का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है जो विज्ञान की शाखा है उसका नाम है लेक्सिकोग्राफी। लेक्सिकोग्राफी, आइए अब हम लेक्सिकोग्राफी के बारे में देखते हैं। तो लेक्सिकोग्राफी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत शब्दकोश संकलन तथा लिखने की कला का अध्ययन किया जाता है। तो लेक्सिकोग्राफी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत शब्दकोश संकलन तथा लिखने की कला का अध्ययन किया जाता है। तो लेक्सिकोग्राफी क्या है? लेक्सिकोग्राफी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत शब्दकोश संकलन तथा लिखने की कला का अध्ययन किया जाता है, ओके। नेक्स्ट जो आपके विज्ञान की शाखा है उसका नाम है न्यूमेरोलॉजी, ठीक है। तो आइए देखते हैं न्यूमेरोलॉजी के बारे में। न्यूमेरोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अंकों का अध्ययन किया जाता है, यानी कि जिसमें अंकों के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो न्यूमेरोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अंकों का अध्ययन किया जाता है। तो इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप हो सकता है न्यूमेरोलॉजी क्या है। न्यूमेरोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अंकों के बारे में अध्ययन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो आपकी विज्ञान की शाखा है
उसका नाम है न्यूमिसमेटिक। न्यूमिसमेटिक तो न्यूमिसमेटिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पुराने सिक्कों का अध्ययन किया जाता है। तो न्यूमिसमेटिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पुराने सिक्कों का अध्ययन किया जाता है। तो ये हमने विज्ञान की कुछ जो महत्वपूर्ण या प्रमुख शाखाएं हैं उनके बारे में स्टडी किया। इनको आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना और लर्न कर लेना। आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।